ये कुछ आज नया ट्राई कर रहे हैं गाइस। दर्शन हो गए पुलिस स्टेशन के। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आई होप कि आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे बनाने में आया है तो आप लोगों को देखने में आया ही होगा। और आज कुछ मतलब बढ़िया सा आपके लिए मैं लाने वाला था, लेकिन आज क्या है कि सारे हमारे जो दोस्त लोग हैं वो खुद खुद के काम में थे, ठीक है, तो वो वीडियो में आ नहीं पाए। और हम वैसे भी, मैं और मेरा भाई दो ही जने, तो डेली रूटीन ही दिखा देंगे आज ब्लॉग में हम क्या कर रहे हैं। आई होप आपको इस वाले वीडियो में भी या इस वाले ब्लॉग, आप जो भी बोलो, आपको मुझे लगता है कि मज़ा आएगा। देखो भाई, कल वाली वीडियो में ज़्यादा कुछ व्यूज़ नहीं आए किसी, मतलब लाइक भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में है ना, तो ज़्यादा कुछ लोग पसंद करते हैं नहीं करते हैं ये तो आप लोगों के डिपेंड है। और कुछ भी मेरे से गलती हो जाए तो आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि ये मत करो, ऐसा मत बोलो, ठीक है, तो मुझे भी समझ में आए कि आपको पसंद क्या है, ना पसंद क्या, समझ रहे हो, तो आपको जो पसंद है वही मैं बनाऊंगा। अगर एक और आपको मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे कुछ चैलेंज देना चाहते हैं, जैसे कि वो 24 hours इन जंगल, या 24 hours ये करो, या 24 hours मतलब कुछ भी यही खाओ या यही पियो या यही कलर का कुछ भी करो, यही कलर पहनो, ये सब भी आप मुझे कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी ये सब भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। एक आपको डेमो वीडियो में बनाने की सोच रहा हूँ कि ऐसा वीडियो बन सकता है, अगर आपको पसंद आए तो फिर हम वैसे ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, मतलब वही लाइफ स्टाइल से। और वैसे वीडियो में थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगती है, तो वीक में एक या दो ही वीडियो आप आएंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग उसे शेयर ज़्यादा करना है, क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी, एक वीडियो के पीछे 1-2-3 दिन लग जाएंगे आराम से, समझ रहे हो, तो वैसा कुछ करने की सोच रहा हूँ। और करेंगे कुछ बड़ा, करेंगे, आप लोगों को पसंद है वैसा कुछ करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा, मुझे उन लोगों पर बड़ा गुस्सा आता है, पता है किन पे, कि अगर आपके कोई रिलेटिव्स के घर आप जाते हो, ठीक है, और आपके 2-3 दोस्त लोग भी अगर आपके साथ चलते हैं, तो वो लोग, मतलब सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कुछ कुछ हरामी ऐसे होते हैं जो बोल देंगे भाई वो तेरे बाजू वाले जो घर की वो लड़की है ना, वो बहुत बढ़िया सेटिंग करा था ना उसमें, ऐसा उसे बोलते हैं ना, बहन अभी निकल ही जाती मुझसे, इन लोग पे मुझे बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, मतलब क्या ही बोलें, समझ रहे हो, थोड़े तो मतलब किस मतलब थोड़ा सा मेहनत रखो, किसी के घर पे जाते हो तो ऐसा क्या मतलब मुंह पे ठोक देना गया कि ये बहुत पसंद है यार, कुछ सेटिंग करा दे, या मतलब रुक पे ही मर जाते हैं, समझ रहे हो, संस्कार वंस्कार कुछ भी नहीं, पसंद आए मतलब पूछ डालो, इज्जत गई बाढ़ में, समझ रहे हो, मतलब खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी रखो भाई, समझ रहे हो, मतलब लड़की सब कुछ नहीं है कि देखो और पागल हो जाओ, खुद की भी थोड़ी वैल्यू रखो, और ऐसे तो मत ही करो भाई, समझ रहे हो, इतना भी मत गिर जाओ खुद की नज़र में। मैं थोड़ा बोलने में, आपको समझाने में थोड़ा असमर्थ हूँ, लेकिन आप थोड़ा समझदार हो, समझ जाना, ठीक है, मैं किन की बात कर रहा हूँ, इन लोग का तो मतलब बीच में से फाड़ दूंगा ना, तो भी मुझे दया नहीं आएगी कि इनको मैंने ऐसा क्यों किया, समझ रहे हो, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो दिया मैंने इन लोगों से। और गाइस, आप लोगों को लग रहा है कि टप 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 ये पानी के जगह क्या आवाज़ आ रहा है, मतलब पानी जो टपकता है ना वैसा क्या आवाज़ आ रहा है, लेकिन वो कुछ पानी पानी नहीं टपक रहा है, ये उसका वो चालू है, वो 4 सिग्नल पार्किंग लाइट के जो जो भी बोलो आप, चलो देखो समझ लो, इसका आवाज़ आ रहा है, और वही। और गाइस, बहुत मतलब दिनों के बाद बोलो या सालों के बाद कुछ दर्शन हो गए पुलिस स्टेशन के, समझ रहे हो, मतलब मेरा कुछ भी नहीं वहाँ पे था, और मतलब जाना पड़ा किसी रीज़न से, समझ रहे हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं, ये कुछ आज नया ट्राई कर रहे हैं गाइस, ये दिखने में क्रेटा जैसे लेकिन क्रेटा नहीं है, वेन्यू भी नहीं है, सोचो कौन सी गाड़ी है ये, पर गाड़ी तो कौन सी है वो मुझे भी नहीं पता, समझ रहे हो, मतलब उसका नाम नहीं पता है, मैं इधर की इधर फोटो डाल दूंगा, आप देख लेना, जब थंबनेल में आ जाएगा तो देख लेना, समझ रहे हो, मतलब गाड़ी चलाने में जो मज़ा है ना भाई, मैं तो कहता हूँ कि आपका 7-8 लाख रुपया बजट है ना तो यही ले सकते हैं, और थोड़ा ज़्यादा करके 10 लाख जो हो गया तो इसका ही मतलब टॉप वेरियंट या जो भी ऊपर नीचे होगा वो आप ले सकते हो, समझ रहे हो, मतलब होंडा की गाड़ी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी, एकदम स्मूथ, और फीचर्स भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि इतनी सस्ती गाड़ी है तो मतलब फीचर्स नहीं है, समझ रहे हो, फीचर्स भी बहुत हैं,
और इधर तो थोड़ा ट्रैफिक की वजह से भगा नहीं सकते, लेकिन मैंने ऑफ कैमरा टेस्ट किया है, ऐसे ही बहुत बढ़िया चलती है, भगाने में भी पिकअप काफ़ी अच्छा है। मतलब देखो इसका थोड़ा वो सेफ है ना, सेफ मतलब गाड़ी का डिजाइनिंग वो थोड़ी वेन्यू क्रेटा जैसे है, लेकिन आगे से थोड़ा वो पिचका हुआ है, मतलब आपको पसंद आए ना आए पता नहीं, लेकिन वैसे बढ़िया है। इतने बजट में भी रेंज रोवर तो मिलेगी नहीं, लेकिन ये भी बढ़िया है। और भाई सब फीचर्स मैंने आपको मतलब सब तो नहीं, मतलब थोड़े बहुत आपको वो बता दिए, लेकिन मेन फीचर्स तो बता नहीं रह गए हैं। ये ऊपर दिखा भाई, सनरूफ ही है भाई इसमें, समझ रहे, मतलब पूरी क्रेटा वाली फील है। और चलने में तो है ही स्मूथ, फैमिली कार आप लेना चाहते हो ना तो ये बेस्ट है, समझ रहे हो, परफेक्ट। और चलो अभी मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि गाड़ी की फील देने दे। अरे ये देखो ये थ्रॉटल दबा दे मतलब भागने लगती है। इधर तो थोड़ा वो कहते हैं ना विलेज वाला या ऐसा कुछ, मतलब थोड़ा ट्रैफिक वाला एरिया है तो ज्यादा हम भगा नहीं सकते, लेकिन बेस्ट बेस्ट है भाई बेस्ट, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं तारीफ के लिए, समझ रहे। और कुछ दिखाने का रह गया है वो भी दिखाई देता हूँ, ठीक है। ये देखो इसमें क्रूज कंट्रोल भी है भाई, चाबी निकाल लेते हैं, समझ रहे हो सब कुछ है इसमें। तो कब से भाई लोग मैं कार में से व्लॉगिंग कर रहा था, इस गाड़ी से उस गाड़ी में, आपको मतलब कुछ बार कर दिखा नहीं रहा था, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे लालू की आलू पूरी खाने के लिए कौन किस लालू में, ये देखें अभी तो बना रहा है, समझ रहे हो, मतलब अभी पता नहीं कैसी लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ और देखते हैं कैसी बना रहा है भाई, लग रहा है वैसे तो अच्छी ही बनाएगा, लेकिन देखते हैं। इसमें भाई कब से हम ब्लूटूथ मतलब ये फ़ोन से वो कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं कि कैसे कनेक्ट करते हैं, समझ रहे, मतलब इतने इतने वो हैं हम दम। ये देखो यहाँ पे ये ब्लूटूथ का ऑप्शन दिखा रहा है लेकिन कनेक्ट हो नहीं रहा है, समझ रहे, मतलब पता नहीं इसका क्या चल रहा है। अभी भाई विंटर चल रहा है या मानसून चल रहा है या मतलब उसे क्या समर चल रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मतलब देखो विंटर्स में भी इतनी गर्मी, ये देखो तुम चेक करो, और अभी 3:30 बजे हैं, शाम का वक्त होने वाला है, और ये हमसे ब्लूटूथ मतलब जो कर रहे थे ना वो कब से नहीं हो रहा था, वो हो गया देखो, सही है एहसास हो गए, मतलब गुजरात में क्या चल रहा है पता ही नहीं। साउंड सिस्टम चेक करो भाई, अब तो मैंने वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं किया है, समझ रहे, ये देखो ये 60 पे है, आई थिंक ये 70 या 80 पे जाता होगा, अभी तो उसका हाफ ही है, मतलब फिर भी काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है। और मैं आपको ज़्यादा सुना नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब वाले भी कॉपीराइट क्लेम कर देंगे, समझ रहे हो, इस गाने पे। फाइनली गाइस बहुत ही ज़्यादा फंस चुके हैं अभी, क्योंकि इधर से रास्ता बन रहा है और वन वे है, इधर वन वे से भी मतलब छोटा है, आप समझ लो गांव के रास्ते कैसे होते हैं वैसा है। और मेरी गाड़ी मेरे जीजा के घर पे है, मतलब मेरी कार जो है वो मेरे जीजा के घर पे है, और ये जो मेरे जीजा की कार है वो मेरे पास है, और अभी उनका घर थोड़ा अंदर है इधर से, समझ रहे हो, इधर से जाना है, और मेरी कार लेके जा मेरी कार लेने जा भी नहीं सकते, और ये लेके अभी घर जाना पड़ेगा, और दूसरे दिन आएंगे कुछ जुगाड़ बुगाड़ करके वो लेने दूसरे दिन आना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, क्या करे क्या नहीं, ये सब कुछ इकड़ बिगड़ हो गया है। सो फाइनली गाइस व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म कर दें, क्योंकि आज का दिन अब तक तो अच्छा था लेकिन अब अच्छा नहीं है, क्योंकि कार हमें उधर ही छोड़ के जानी पड़ेगी और ये लेके घर जाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अच्छा लगे तो, आज डेली रूटीन ही था, कुछ ज़्यादा नया किया नहीं, समझ रहे हो, फिर भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं न्यू कॉन्टेंट और न्यू वीडियो के साथ।